नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल पीसीएस से जेएल माथुर और आज आप लोग को दिखाने वाले हैं विंडोज 10 पे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ओपन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज वाले अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ कोई अकाउंट यानी चाइल्ड अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे विंडोज 10 पे, इसके बारे में वीडियो को दिखाना होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रही और मेरे चैनल अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज आप लोग को दिखा दो विंडोज 10 में यूजर अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, इसके बारे में वीडियो को देखेंगे। चलिए बने रहिए चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो है दिस पीसी, तो विंडोज 10 जो है इसमें दिस पीसी के नाम से आता है। इसी में इसी का अंदर में सारा ड्राइव वगैरह भी रहता है। तो इसको जो कि राइट क्लिक करना फ्रेंड्स, राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद देख सकते हैं ये जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो चुका है। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर पे आप कैसे जाएंगे, कहाँ से करेंगे, ये आज आप लोग को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको जो है कि यहाँ देख सकते हैं आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, इसको क्लिक करना फ्रेंड्स। यहाँ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि यूजर्स आप लोग जो है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा इनएक्टिव रहेगा फ्रेंड्स, यानी ये डिजेबल है। तो डिजेबल को आपको एनावल करना होगा। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो भी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, और आपने जो क्रिएट करते हैं यानी जो नाम देते हैं यूजर नाम, उसके नाम से एक आता है। जैसे मैंने यहाँ जब इंस्टॉल किए तो वहाँ पर यूजर नाम पे एक टेक्निकल पीसीएस का नाम दिए थे, ये क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। तो टेक्निकल पीसीएस भी एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का ही सारे जो पॉलिसीज है सारे पॉलिसीज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू जो है कि न्यू पे जाना है। न्यू जाने के बाद यहाँ आप जो भी क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने ए बी सी क्रिएट करते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख सकते हैं, अगर पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड रख सकते हैं, और जो है कि इसको क्रिएट कर दिए। ये क्रिएट हो चुका फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी हो चुका है। अभी ए बी सी जो है फ्रेंड्स, ये जस्ट नॉर्मल अकाउंट है यानी कि चाइल्ड अकाउंट है, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज नहीं दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन करना है फ्रेंड्स, तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे जो है कि इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे यूजर डिजेबल है, तो आपको यहाँ पे आपको अनचेक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई कर देने से देख सकते हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आपका ये जो डाउन था डाउन वाला आप हो चुका है। और चलिए आज इसी वीडियो में अभी ये भी बता देते हैं कि ए बी सी जो क्रिएट हुआ, अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज देना है, इसको राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जो है कि इसको मेंबर ऑफ, आप मेंबर ऑफ किसका बनाना है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं एडवांस में है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ जो आया हुआ है ग्रुप ऑब्जेक्ट टाइप टेक्निकल पीसीएस ऑपरेशन है, आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। फाइंड होने के बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, जो करना आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज आपको देना है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दीजिए। अगर चाहेंगे तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं, राइट क्लिक करना फ्रेंड्स एंड डिलीट एंड ओके। तो चाहेंगे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।